नाना पटोले का बयान आपने सुना? नाना पटोले बोले कि साहब, ये जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है, ये नेहरू गांधी परिवार से नफरत करती है। और रणदीप सुरजेवाला का बयान आया कि जी, हम स्वागत करते हैं, आपने ध्यानचंद के नाम पर ये खेल पुरस्कार रख दिया, लेकिन मोटेरा स्टेडियम के जो एक पार्ट पर नरेंद्र मोदी का नाम रखा गया है, उसको कब वापस ले रही है सरकार? मतलब ये लोग बिल्कुल बिल्कुल कितना वापस लेने कितना वाले। कितना बेशर्मी के साथ ये, क्या गांधी नेहरू परिवार चिट्ठी लिख करके सरकार से कहेगी कि पूरे देश में जहां जहां जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, जहां जहां इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के नाम पर या संजय गांधी के नाम पर कोई भी संस्थान है, कोई भी सड़क है, कोई भी चौक है, उसको आप वापस कर दीजिए, खत्म कर दीजिए? नहीं, वो तो नहीं करेंगे, लेकिन उनकी डिमांड सही है, मैं मान लेता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी अपना भी नाम हटा लेंगे, लेकिन ये पहले से कचरा पड़ा है वो भी साफ करना पड़ेगा ना। पहले से जो कचरा पड़ा है, आखिर नया नया कचरा आया तो उसकी सड़न कम होती है, तो पहले पुराना कचरा हटाना पड़ेगा ना। वो ये सारे नाम हटने के बाद मोदी अपना भी नाम हटाएंगे, थोड़ा थोड़ा इंतजार करो ना। आप बहुत सारे नाम, जेएनयू का नाम बदलना है, स्टेडियम का नाम बदलना है, बहुत सारे नाम बदलने हैं ना। उसके बाद शायद बीजेपी का दूसरा तीसरा जनरेशन का प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो मोदी का नाम हटा देगा, चिंता मत करो। ये आपका कोई कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ने नहीं हटाया ना, इसके लिए बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर आना पड़ा। तो बीजेपी छोड़कर दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो तो जरूर हटाएगा मोदी जी का नाम, चिंता क्यों कर रहे हो। वहां तक जिंदा रहने की कोशिश करो, मोदी का नाम हटने वाला है। सुरजेवाला जो है, अब उनको क्या बताए, वो टेप जैसी आवाज अपने आप आ जाती है, वैसे बोलते, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, कोई हलचल नहीं होती, आविर्भाव नहीं होता, और बकते जाते हैं, टेप लगे वैसी वैसे वो बोलते। तो मैं उनको इतना ही बोलूंगा, चिंता मत करो, वो जो मोंटेरा स्टेडियम पर मोदी जी का नाम है वो भी हटने वाला है। एक 50 साल लगेंगे उसमें, कोई थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अरे 370 हटाने के लिए हम 70 साल रुके, आप 50 साल तो रुको, मोदी जी का नाम हटेगा, दूसरा कोई आएगा वो मोदी का नाम हटाएगा, कोई बात नहीं। आप इंतजार तो करो ना, सब हर चीज में जल्दबाजी क्यों है। आपने हमको 370 हटाने के लिए 70 साल इंतजार करना पड़ा आपके कारण, तो आप हमारे लिए 50 साल तो इंतजार करो, मोदी का नाम हटेगा, चिंता मत करो, हटेगा। और भाऊ, नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने खुद को भारत रत्न दिला दिया, इंदिरा गांधी ने भी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत रत्न ले लिया, और फिर राजीव गांधी जब चले गए तो पीवी नरसिम्हा राव ने उनको भारत रत्न दे दिया। एक ही परिवार में भारत रत्न पैदा होते हैं, बिल्कुल बाकी परिवारों का कुछ योगदान नहीं है इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में या इतिहास में या घटनाओं में। केवल एक ही परिवार ने सारे काम किए हैं, वही भारत रत्न पैदा होते हैं वहीं पर। भारत रत्न का पता नहीं, लेकिन रत्न तो पैदा होते हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे, हम देख रहे हैं ना। भारत रत्न पैदा नहीं हुए, लेकिन गोरबाचोव तो पैदा हो गए। CIA जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, वो 50 साल से 60 साल से कोशिश कर रही थी सोवियत यूनियन खत्म करने के लिए, उनको कुछ साधा नहीं, लेकिन गोरबाचोव ने अध्यक्ष बनकर ही सोवियत यूनियन खत्म कर दी। तो ऐसे ऐसे रतन जो है वो गांधी परिवार में पैदा होते हम देख रहे हैं, कांग्रेस की हालत क्या है हम देख रहे हैं, तो उसको तो रतन बोलना ही पड़ेगा ना। हाँ, भारत लगाओ ना लगाओ, गांधी रतन बोल दो और कोई नेहरू रतन बोल दो, कोई बात नहीं, लेकिन रतन तो पैदा होते, एक से एक रतन पैदा होते। और नहीं होते तो जैसे रॉबर्ट वाड्रा वगैरह कहे के रतन दूसरी खदान से ढूंढ कर लाते भी है, ये सुरजे वाला क्या चीज है, वैसी है। लेकिन उनको एक चीज माननी पड़ेगी हमें, कि कितनी मेंटली स्लेवरी है, गुलामी है, कि उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। कि अगर हम उनके खिलाफ बोल देंगे तो होगा क्या, कि देख रहे ना, आनंद शर्मा,
गुलाम नबी आजाद क्या हालत करके रख दिए, देखिए आपने ना। तो इसलिए डरते हैं, बेशर्मी से जी रहे, करे क्या। होप तो है कि भाई फिर कुछ, होपिंग अगेंस्ट द होप अंग्रेजी में बोलते हैं, कि एक आशा ऐसी होती है कि भाई कुछ चमत्कार होगा, कुछ तो होगा। और कुछ मुझे याद है, ऐसा ऐसा जो आशावाद है वो पुराने जमाने में जब गावस्कर वगैरह खेलते थे, तब हमारी हालत ये थी कि पहले सात तो बैट्समैन ही होते थे और आखिर के चार बॉलर होते थे। अगर समझो गलती से कहीं चार पांच पहले आउट हो गए 50-60 रन में, तो बड़ी बुरी हालत होती थी। तो फिर हम, आप भी बोले होंगे उस वक्त, नहीं नहीं बेदी ने कभी 80 रन किए है, वेंकट राघवन अच्छा करता है, प्रसन्ना भी 50 कर सकता है। ये जो मूर्ख आर्गुमेंट हम लोग हमने किया, आशा होती थी ना, नहीं भाई कहां से निकलकर 200-250 रन हो जाएंगे, वो जो आशा होती थी उसी ढंग से आज के कांग्रेसी बोलते कि उच्च होगा अगले चुनाव में तो मोदी जी, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अरे वो कम से कम अध्यक्ष तो बने, अध्यक्ष तो बने, वो खाली पड़ा है पद।